बानो बानो जुलेखा, बानो बानो जुलेखा, बानो बानो जुलेखा, बानो 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 जुलेखा, कहाँ बानो। हैं आप? बानो कहाँ हैं आप? याद आ गया, तम्मा मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी, जहाँ हमेशा होती हैं, अभी आती ही होंगी। चलो तब तक थोड़ा सा गंदम पीस कर आटा गूंद लेते हैं। ताजा रोटी की खुशबू, कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सलाम बानो, बानो, खुशामदीद खुशामदीद बानो। बानो। हमने सारा कसर छान मारा, आप ना मिली। ये लीजिए ताजा रोटी। हम जानते थे कि अभी आप आती ही होंगी और यकीनन शदीद भूख लगी होगी, लिहाजा आपके लिए ताजा रोटी पकाई है। बड़ी बातें बनाना आ गई है। तुमसे यहाँ दोबारा आने को किसने कहा था? आइए बानो, आइए यहाँ आराम से बैठ जाइए, पहले गरम गरम रोटी खा लें। हमने सोचा कहीं बानो को भूख ना लगी हो, लिहाजा थोड़ी गंदम पीसी और गरम गरम रोटी तैयार कर ली, और हमने थोड़ा सा आटा यहीं पर रख दिया है। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे कि एक नजर बानो को देख लें। कहीं जाने की जरूरत नहीं, भला कोई अपने घर को भी छोड़कर जाया करता है? हमारा तो कोई ठिकाना नहीं जहां जाएं बानो, बचपन से अब तक किसी कस्र में जिंदगी गुजारी है, अब कहाँ जाएं? और फिर हमें यहाँ की आदत जो पड़ गई है, और बानो से उनसियत अलग हो गई है। इरादा तो कहीं और का था, लेकिन कहाँ नहीं मालूम। फिर अचानक गैर इरादी तौर पर खुद को कसर के दरवाजे पर पाया। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, अगर चाहो तो रुक सकती हो, मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है? बानो आपने ये तो बताया नहीं कि आज कहाँ गई थी। यूसुफ के दीदार को। यूसुफ? हाँ यूसुफ। खूब तो देखा उन्हें? हाँ देखा, खूब जी भर के देखा। कितना ही इजार सीन कहकर पुकारा, नहीं सुना। जो ही यूसुफ कहकर पुकारा तो सुन लिया और मुझे ढूंढने लगा। क्या उन्होंने भी आपको देखा? नहीं, मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था,
मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस तरह देखे, लेकिन मुझे खुशी है मैंने उसे जी भर के देखा। इस कमजोर बिनाई के साथ भी? हाँ, इसीलिए तो बहुत खुश हूँ कि मुकम्मल बिनाई जायल होने से पहले यूसुफ को करीब से देख लिया। बड़ा ही बार रोब और दबदबे वाला लग रहा था, सब उसके दीदार से खुश थे। 54, कभी तो मुझे उन लोगों से जलन सी होने लगती कि मेरे सिवा दूसरे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। फिर कभी ये देखकर खुशी भी होती, खुशी होती है कि मेरी तरह मेरे उस महबूब को सभी इंतहाई वालेहाना अंदाज में चाहते हैं। गोदामों की तरफ चलें। खुदावंद जुजार शीफ को सलामत रखे। ये तो आपकी जहानत है। अगर गंदुम खुशों समेत जखीरा ना की होती तो अब तक हमारे माल मवेशी सब खत्म हो चुके होते। ये सब तो खुदावंद यक्ता की लुत्फ व इनायात हैं। अलबत्ता खुशों समेत जखीरा साजी के दूसरे भी कई समरात हैं जो आप अनकरीब जान जाएंगे। पैमाने अगला आए, 9 आमून फरजंदे गोद की, कुल 7 अफराद, 15 अदद भेड़े, 2 अदद गाय। 7 अफराद के लिए 70 पैमाने गंदुम 70 दरहम की, और जानवरों के लिए चारे के 2 गट्ठे, कुल मिला के 90। सिक्के तो नहीं है? हीरे मोती, कोई सोना चांदी? अफसोस के मेरे पास वो भी नहीं है। अलबत्ता गाय और भेड़े हैं, अगर वो ले तो? कोई हर्ज नहीं, गाय भेड़ और बकरी भी ली जा सकती है। बस सनत ले लें ताकि वाजे हो जाए कि अब ये माल हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। फिर वो जानवर उसी के मालिक को लौटा दिए जाएं ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। यानी जो भेड़े मैं गंदम के बदले में दूंगा मैं उन्हें दोबारा अपने पास रख सकता हूँ? बिल्कुल, बस ये याद रहे कि फिर ये हुकूमत मिस्र की मिल्कियत हो जाएगी, और जिस वक्त भी हुकूमत चाहेगी इन्हें आपसे वापस लेने की मजाज होगी। सपास गुजार हूँ या नबी खुदा, सपास गुजार हूँ। बेहतर इससे और क्या होगा? मेरी गायों में से एक के बदले में मुझे गंदम दे दीजिए। बताइए किस जगह मुझे दस्तखत करने हैं, कहाँ पर? हम चलते हैं। सपास गुजार हूँ या नबी खुदा। खुदा आपकी हिफाजत करे। अगर किसी के पास सिक्के ना हो तो जरो जवाहरात भी लिए जा सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो माल मवेशी कागजी कार्रवाई के बाद उन्हीं के हवाले कर दें। अगला शख्स। इसके अलावा घर, जमीनें और दीगर अमलाक भी कबूल कर सकते हैं। घरों के मालिकाना हुकूक हासिल करके उन्हें उसी घर में रहने दिया जाए, और इसी तरह जमीनें भी तहरीरी जमानत लेने के बाद काश्तकारी के लिए वापस काश्तकारों के हवाले कर दी जाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इसमें क्या मसले है? मेरा मकसद सिर्फ कायम अदल है, बाद में आप जान जाएंगे। चलें हरकत करें। ये लेन देन और मामला करना काफी मजाक खेज बात मालूम होती है। आप लोगों की इमलाक और माल मवेशी के बदले में उन्हें गंदुम तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज हुकूमत के जेर तसर्रुफ नहीं हो। सब्र से काम लीजिए, वक्त आने पर यह मजाक खेज बात एक ऐसी हकीकत में तब्दील हो जाएगी जो नाकाबिले तसव्वुर होगी। बस इतना जान लें कि मिस्र को तहबाला करना होगा ताकि वो जो हाकिम हैं महकूम हो जाएं, और वो जो अभी दूसरों के दस्ते नगर हैं खुद कफील हो जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर खुदा चाहे तो हाँ,